अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हदीस होम क्रिएशन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कोर्स लेके आई हूँ, जो कि डिजिटल आर्ट का कोर्स है और मैं अपने चैनल पे बिल्कुल फ्री करवा रही हूँ। इस पे आपके एक रुपया नहीं लगना है, इस पे कोई पैसा नहीं लगना, आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना। मैंने जो ये कोर्स किया था वो पेड था, मैंने इसकी फ़ीस पे की थी, 2 महीने का मेरा ये कोर्स था। लेकिन मैं आप लोगों के लिए फ्री में लेके आई हूँ, इसमें मैं आपको हर चीज़ सिखाऊँगी। इसमें आपको कोई चीज़ नहीं खरीदनी, सबके पास मोबाइल होता है, मोबाइल फ़ोन पे है, हमने इलस्ट्रेशंस बनानी है। इसका कोर्स पूरा मोबाइल फ़ोन पे होगा, आपको कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने चैनल पे ये कोर्स क्यों करवा रही हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैंने कोर्स किया था और उसके बाद जब मैंने इंस्टाग्राम पे पेज अपना बना के अपनी इलस्ट्रेशन पोस्ट की थी, तो मेरे पास बहुत सारे DMs आए थे कि आपने ये किस तरह से बनाई है, हमें सिखा दें, हमें बता दें कि आपने ये कैसे किया है। तो मैसेज पे या वॉइस नोट पे मैं कितना बताऊंगी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाती हूँ, पूरा एक कोर्स लेके आती हूँ, वो भी फ्री बिल्कुल। इस कोर्स के लिए मैं जो ऐप यूज़ कर रही हूँ वो है मेडीबैंक पेंट और आईबेस। वैसे आईबेस के मुकाबले में मेडीबैंक पेंट मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मेडीबैंक पेंट पे भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से उसको यूज़ करना है, और आईबेस पे भी बताऊँगी किस तरह से उसको यूज़ करना है। आपने मेडीबैंक पेंट कैसे इंस्टॉल करनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सिंपली आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, मेडीबैंक पेंट लिखना है और वहाँ से आपने ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। फिर आपने ऐप ओपन करनी है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप इसके आप मेडीबैंक पेंट पर कैनवस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और IBS पे कैसे कैनवस क्रिएट कर सकते हैं। ये आप कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं, न्यू कैनवस, प्रीवियस, गैलरी, लाइब्रेरी और टाइम लैप्स। न्यू कैनवस का जो ऑप्शन है इसको हम अभी देखते हैं। पहले मैं आपको प्रीवियस का बता दूं, प्रीवियस वो है जो आपने इलस्ट्रेशंस बनाई होंगी पहले, वो आपके पास शो होगी जो लास्ट आपने बनाई होगी। गैलरी में आपकी वो सारी इलस्ट्रेशंस आपको शो होंगी जो आप बना चुके होंगे, जो आप सेव करेंगे, ठीक है। और लाइब्रेरी में आपके पास कुछ ड्राइंग्स वगैरह होंगी, जो बिगनर्स हैं उनके लिए ड्राइंग्स दी हुई हैं मेडीबैंक पेंट पे, आप इस पर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं अगर आपको करनी है तो। न्यू कैनवस वाले ऑप्शन पे अब हम चलते हैं और न्यू कैनवस क्रिएट करते हैं। ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है हाइट और वेथ का, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उस पर आपने जो भी कैनवस का साइज़ रखना हो वो आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2500 रखा हुआ था, अब इसको हम चेंज कर देते हैं, 1080x1080 का कैनवस रख रहे हैं हम। और पिक्सल्स और सेंटीमीटर में होता है कैनवस, आप पिक्सल्स पे भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, मैं पिक्सल्स पे रखती हूँ। और इसके बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है DPI का। DPI का मतलब है डॉट पर इंचेस। डॉट पर इंचेस का भी मैं आपको मतलब बता देती हूँ कि क्या है। डॉट पर इंचेस का मतलब है कि जो भी आप इलस्ट्रेशन अपनी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हर इंच पे आपको कितने डॉट्स चाहिए, आपने कितने डॉट्स रखने हैं, 100, 200, 300, 600 तक इसकी वैल्यू होती है। मैंने जो है वो हमेशा 350 DPI रखा है। DPI के बाद आपको पेपर साइज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। पेपर साइज़ के ऑप्शन में आपके पास काफ़ी सारे साइजेस अवेलेबल हैं, जो भी आपने यूज़ करना हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं पेपर साइज़। और आपको एक नीचे ऑप्शन नज़र आएगा कलर स्पेसिफिकेशन, इसमें आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं कैनवस का, लेकिन वाइट ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है कि वाइट पे काम करना आसान होता है, तो हम इसको वाइट ही रखेंगे। और इसके बराबर में आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है क्लियर का। क्लियर करने से ये होगा कि आपकी जो इलस्ट्रेशन है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, अगर आपको ट्रांसपेरेंट बनानी है तो ये है इसकी सारी सेटिंग। अब इसको ओके कर देंगे। आपको यहाँ इनेबल टाइम लैप्स लिखा रहा होगा। इनेबल टाइम लैप्स का मतलब है कि जो भी इलस्ट्रेशन आप बना रहे हैं अगर आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो आप ऑफ़ कर दें। और क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कैनवस आ गया। ये कैनवस है जिस पर आप कोई भी ड्राइंग, कोई भी इलस्ट्रेशन बना सकते हैं। अब हम IBS पे देखते हैं कि उस पर किस तरह से बनाई जाती है। IBS भी आपने वैसे ही डाउनलोड कर लेना है जैसे मेडीबैंक पेंट है, ये भी बिल्कुल फ्री है। जब आप IBS डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें
तीन ही ऑप्शंस है, माय गैलरी, कलेक्शन और अदर गैलरी। आपने माय गैलरी को सिलेक्ट करना है और नीचे आपको यहाँ पे प्लस का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो आपके पास ये सामने सारे ऑप्शंस आ गए जिसपे विड्थ और हाइट है। अब हम विड्थ और हाइट चेंज कर लेते हैं, अगर आपने चेंज करनी है, जो भी आपने रखनी हो वो आप रख सकते हैं। उसके बाद इसके नीचे सारे वो साइज़ दिखा रहा है आपको कि कौन कौन सा साइज़ अवेलेबल है, तो जो भी आपने रखना हो वो आप साइज़ रख सकते हैं यहाँ से। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा इसको यूज़ करना, मुझे मेडिबैंक ज़्यादा ईजी लगता है IBS के मुकाबले में, लेकिन यह है कि इसके ऑप्शंस वैसे ही हैं, बस थोड़े से आपको मुश्किल लगेंगे शुरू में, लेकिन जब आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी किस तरह से यूज़ करना है। तो हमने अब इसको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो जी आपके पास ये कैनवास आ गया है IBS पे। अब आप इस पे कोई भी ड्राइंग या इलस्ट्रेशन बना सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।